नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसमें से आपके आईपी एड्रेसेस पे भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे और सम बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं। बेसिक तो नहीं है यहाँ पे, मीडियम या हाई लेवल के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। यह है हमारी क्लास नंबर 8। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लॉन्ग इज़ अ IPv6 आई एड्रेस। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो आपका होता है उस एड्रेस का कितने बिट्स का होता है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 128 बिट्स जो होते हैं आपके IPv एड्रेस के होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए IPv वर्जन 4 कितने बिट का होता है, तो आप बोलोगे 32 बिट का होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एसेस कंट्रोल। तो दो मेन टाइप होते हैं एसेस कंट्रोल के, वो कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं स्टैंडर्ड होता है एक, और एक होता है एक्सटेंडेड। ओके, तो ये दो प्रकार के एसेस कंट्रोल लिस्ट होती हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखना, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। नेक्स्ट, व्हाट कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको बैकअप कॉन्फ़िगरेशन बनानी है नेटवर्किंग में, तो आप इनमें से कौन सी कमांड यूज़ करोगे? तो आप यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, कॉपी रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग। तो ये वाली जो है आप कमांड रन करोगे अगर आपको बैकअप कॉन्फ़िगरेशन लेना है। विच WLAN IEEE स्पेसिफिकेशन अलाउज अस टू 54 Mbps एट 2.4 GHz। तो कौन सी वाइड लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है हमारा, उसमें IEEE स्पेसिफिकेशन होती है, तो उसमें अगर आपको 54 Mbps की स्पीड चाहिए इतने प्रोसेसर पे, 2.4 GHz पे, तो आपको इनमें से कौन सा यूज़ करना होगा IEEE स्पेसिफिकेशन? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है जी, ठीक है? जी जो है आप यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड जो IEEE का क्या है, वाईफाई का, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो 102.11 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर था। व्हाट प्रोटोकॉल डज PPP यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो PPP बेसिकली यहाँ पे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है? व्हाट प्रोटोकॉल डज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ आइडेंटिफाई द नेटवर्क लेयर। तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ करता है नेटवर्क लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो इनमें से जो है आपका NCP जो होता है ये वो यूज़ करता है डिफाइन करने के लिए। ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, विच प्रोटोकॉल डज DHCP यूज़ एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो DHCP जो आपका होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िग प्रोटोकॉल, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज़ करने के लिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा इसका UDP होगा, ठीक है? यूज़र डेटाग्राम जो आपका होता है, डेटा प्रोटोकॉल होता है, तो ये आपका यूज़ होता है, ठीक है, DHCP में। नेक्स्ट इज़ विच कमांड इज़ यूज टू डिटरमाइन इफ़ एन IP एसेस लिस्ट इज़ इनेबल इन ए पर्टिकुलर इंटरफेस। तो इनमें से जो है कौन सी कमांड जो है यूज़ की जाती है IP एसेस लिस्ट को डिटरमाइन करने के लिए और इनेबल करने के लिए, एक जबकि वो एक पर्टिकुलर इंटरफेस में हो? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, शो IP एड्रेस। तो शो IP इंटरफेस के ज़रिए जो है आप IP लिस्ट को असेस कर सकते हैं। वेयर इज़ अ हब स्पेसिफाइड इन ए OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में आपका हब कहाँ पे स्पेसिफाई होता है, कौन सी लेयर में स्पेसिफाई होता है? तो बेसिकली ये आपका होता है फिजिकल लेयर में, ठीक है? फिजिकल लेयर में जो है आपका हब जो है OSI मॉडल में स्पेसिफाई होता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड अ डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन मैसेज बैक टू द ओरिजिनेटिंग होस्ट। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है यूज़ किया जाता है डेस्टिनेशन नेटवर्क को सेंड करने के लिए, क्योंकि अननोन मैसेज होता है जिसमें ओरिजिनेटिंग होस्ट में। तो बैक जो है आपको ओरिजिनेटिंग होस्ट में, अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क से आपको डेटा सेंड करना है, मैसेज सेंड करना है, तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ करोगे? तो यहाँ पे आपका ICMP जो है प्रोटोकॉल यूज़ होगा। ICMP की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट कंट्रोल
मैसेज प्रोटोकॉल, ओके। आईसीएमपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, अगर आपको डेटा ओरिजिनेटिंग पोस्ट पे वापस भेजना है डेस्टिनेशन पोस्ट से, तो आप आईसीएमपी यूज़ करोगे। हाउ ऑफन आर बीपीडीयूज सेंड फ्रॉम अ लेयर टू डिवाइस? तो बीपीडीयूज क्या होते हैं बेसिकली? ये ब्रिज कंट्रोल डेटा यूनिट होती है, ओके। ब्रिज कंट्रोल डेटा यूनिट, तो जो ब्रिज कंट्रोल डेटा यूनिट होती है ये सेंड करती है लेयर टू डिवाइस में अपना डेटा को। तो कितने सेकंड में, यहाँ पे मिनट्स भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं। तो एवरी 2 सेकंड जो है ब्रिज कंट्रोल डेटा जो है यूनिट जो है एक लेयर से दूसरी लेयर में अपना डेटा सेंड करती है। हाउ मैनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आर क्रिएटेड वैन यू सेगमेंट अ नेटवर्क विद 12 पोर्ट स्विच? अगर 12 पोर्ट स्विच के साथ जो है अगर आप कनेक्शन बनाते हैं, तो आपको जो है कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन देखने को मिलेंगी? तो आपको सिर्फ जो है एक ही डोमेन चाहिए, जो भी कनेक्शन होगा उसके लिए सिर्फ आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है एक ही देखने को मिलेगी। विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस हैज़ द मोस्ट होस्ट एड्रेसेस अवेलेबल बाय डिफॉल्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें आईपी एड्रेस जो है मोस्ट एड्रेसेस जिसमें अवेलेबल होंगे, ठीक है, होस्ट एड्रेस जो है मैक्सिमम होंगे जिसमें, तो वो होती है आपकी क्लास ए, ठीक है। हमने कल बात की थी जो 10 से आपकी स्टार्ट होती है वो क्लास ए होती है, 172 से क्लास बी होती है, 192 वाली जो है आपकी क्लास सी रहती है, ओके। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एड्रेसेस जिसमें अवेलेबल होते हैं वो होती है आपकी क्लास ए। इन ए नेटवर्क विद डजन ऑफ स्विचेस हाउ मेनी रूट ब्रिजेस वुड यू हैव? तो इन ए नेटवर्क विद अ डजन ऑफ स्विचेस जिसमें दर्जनों जो है आपके स्विचेस अगर आपको देखने को मिले, तो कितनी रूट ब्रिजेस जो है आपको चाहिए? तो आपको सिर्फ जो है एक ही रूट ब्रिज चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे स्विचेस हैं तब भी जो है आपको रूट ब्रिज जो है एक ही चाहिए उनको कनेक्ट करने के लिए। व्हाट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स डायनेमिक एड्रेसिंग ऑथेंटिकेशन एंड मल्टी नेम? तो पॉइंट कौन सा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है जो प्रोवाइड करता है डायनेमिक एड्रेसिंग को, ऑथेंटिकेशन को और मल्टी लिंक को? तो इनमें से जो है आपका LCP जो होता है जिसे हम बोलते हैं लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है प्रोवाइड करता है डायनेमिक एड्रेसिंग को, ऑथेंटिकेशन और मल्टी लिंकिंग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज WLAN डू? तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली इसका काम क्या क्या होता है? तो ये क्या करता है, ये कराता है ब्रेकअप ब्रॉडकास्ट डोमेन्स इन ए लेयर टू स्विच नेटवर्क, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है ये लेयर टू स्विच इंटर नेटवर्क में, ठीक है। तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा। वट इज़ द मेन रीज़न द OSI मॉडल वॉज क्रिएटेड? तो आपका जो OSI मॉडल है वो क्यों क्रिएट किया गया था, रीज़न क्या था इसके पीछे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, बिकॉज हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं आपस में उनका इंटरलिंक करवाना था, इसलिए जो है हमने OSI मॉडल जो है क्रिएट किया था। तो सिर्फ डिफरेंट नेटवर्क्स कुड कम्युनिकेट, आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो इसलिए जो है OSI मॉडल की खोज की गई थी। हाउ मेनी कोलिजन डोमेन्स आर क्रिएटेड वैन यू सेगमेंट अ नेटवर्क विद 12 पोर्ट स्विच? तो कितनी कोलिजन डोमेन जो हैं बनेंगी जब आप 12 पोर्ट स्विच को कनेक्ट करोगे? तो आपके पास 12 जो है कोलिजन डिवीजन बनेगी, जितनी भी आपके पोर्ट स्विच होंगे उतनी ही आपकी कोलिजन डोमेन्स जो हैं बनती जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज़? तो पिंग जो यह है इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ICMP प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे इसका आंसर होगा। ICMP की फुल फॉर्म हमने देखी थी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, राइट। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, ये आप याद रख लेना। तो पिंग इसमें यूज़ होता है। तो ये थे आज के नेटवर्किंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में, शाम की वीडियो में, कुछ और हम क्वेश्चन लेके आएंगे इस पर, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नए स्टूडेंट जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और जो है पिछले लेक्चर्स की वीडियो जो है प्लेलिस्ट आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर की कट ऑफ की वीडियो भी आ चुकी है, जिसने नहीं देखी है वो भी आप देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।